मोगली कहाँ हो तुम? जवाब दो मोगली। अरे कहीं ये मनुष्य मुझे पिंजरे में कैद तो नहीं कर देगा? ये क्या कर रहे हो तुम? अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो तो ज्यादा हिलो डुलो मत। तुम्हें आराम करना चाहिए। ये लो खाओ, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो पेट भर कर खाओ। लो। लगता है तुम्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिला। सभी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम डरो मत। देखो मैं कैसे खाता हूँ। देखो इसे खाने से मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो इसे गर्मा गर्म खा लो। आखिर ये मनुष्य चाहता क्या है? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं, इसलिए खाने से डर रहे हो, है ना? मेरा नाम रामू है, लेकिन सब लोग मुझे बाबूजी कहते हैं। मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटने जंगल गया था, घूमता घूमता यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम कहाँ के हो? भूख लगी है। क्या? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम चाहते क्या हो आखिर? समझ गया बच्चे, तुम्हें बात करनी नहीं आती, पर डरो मत। कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो भले तुम कितने भी जिद्दी हो बच्चे, लेकिन मेरे पोते से ज्यादा नहीं हो। वो भी तुम्हारी तरह हरकतें करते हैं, मेरी बात कभी नहीं मानते हैं, वो बहुत शरारती हैं। मैं उसे इस तरह बांध कर खाना खिलाया करता था। चलो अब तुम भी खा लो बच्चे। तुम डर रहे हो शायद, मैंने तुम्हें बांधा है पर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अब मुंह खोलो और गर्मा गर्म खाओ। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। कितना अच्छा बनाया है, गरम गरम। अब ये मत कहना अच्छा नहीं लगा, मेरे पोते का ये मनपसंद खाना है। ये खाना स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। थोड़ा और खाओ। खाओ बच्चे और खाओ, पेट भर कर खाओ। Mm-hmm.
दो दिन हो गए, पता नहीं मोगली कहाँ है। मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा है, मोगली की आवाज तक नहीं सुनी। पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। बलू और बगीरा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। मैं तुम्हारे लिए दूसरी दवाई लाया हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे अपने गांव में होना चाहिए इस वक्त। इतना समय मैं अपने परिवार से दूर कभी नहीं रहा, लेकिन तुम्हें इस हालत में मैं छोड़कर अभी तो नहीं जा सकता, और अपने साथ गांव भी नहीं ले जा सकता। क्या मुसीबत है। तुम कहां जाओगे, कहां के रहने वाले हो तुम? इस मनुष्य की आंखें बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। वो भी मुझे ऐसी ही देखती है जब वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम मनुष्यों से डरते हो। पर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चे। पर तुम्हें समझना चाहिए कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग एक दूसरे को जुदा करते हैं। वो कुदरत के लिए और जानवरों के लिए हानिकारक है। वो शौक या शिकार करते रहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो शिकार खाने के लिए नहीं, मजे के लिए करते हैं। बड़े गड्ढे खोदते हैं जहां से मैंने तुम्हें निकाला। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो ये बात तुम्हारी भलाई के लिए बताई थी। क्या हुआ? ये तो जंगली कुत्ते हैं। बलू कहता था ये किसी पे भी हमला कर सकते हैं। ये किसी कानून को नहीं मानते। खड़े हो जाओ बच्चे, इस तरह। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे। सुनो, मैं मोगली हूँ। हम सब एक ही वंश के हैं। ये सच है, वो जंगल के कानून को नहीं मानते। सरपंच, बता सकते हो बलू और बगीरा कहाँ होंगे? मैं उनके लिए खबर लाया हूँ मोगली की। क्या बात है, मुझे बताओ। सरपंच होने के नाते मुझे भी बताओ। नहीं, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया। ज्यादा होशियारी मत करो। बताओ क्या बात है, मोगली कहाँ है? जेल आ गए तुम। बलू कहाँ थे अब तक? लगता है यहाँ आने से पहले बहुत कुछ खा पी कर आए हो तुम। हाँ, वो खैर जाने दो, क्या खबर लाए हो? बस
कुछ पता नहीं चला। मोगली कहीं खो गया है। चील जैसा होशियार पक्षी भी उसे ढूंढ नहीं सकता। चमेली का बेटा है और अकड़ू और सारू का प्यारा भाई। मोगली हमारे झुंड का अच्छा सदस्य है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। हमें उसे ढूंढना चाहिए। बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? सबसे सारा दोष मेरा है। मैंने उसे बुरा भला कहा, इसलिए वो भाग गया। मुझे माफ कर दो, मैं उसे वापस ले आऊंगी। ये तो लाल फूल है, सारे जानवर इससे डरते हैं। अब ठंड नहीं लगेगी। चलो हम लोग कुछ बातें करें। याद है मैंने तुम्हें अपने गांव के बारे में क्या बताया था? चलोगे तुम मेरे साथ? तुम्हें वहां ले जाकर मुझे खुशी होगी। कुछ लोग तुम्हें पसंद ना करें शायद। अगर तुम हमारी तरह होते तो वो लोग तुम्हें पसंद करते। अगर उनकी तरह कोई नहीं हुआ तो वो लोग उसका स्वागत नहीं करते। काश मनुष्य भी जानवरों की तरह होते, उनके पास भी वैसी आजादी होती। बहुत अच्छे। सुनो बच्चे, मैंने फैसला कर लिया है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूंगा जो यहां से दूर नहीं है। तैयार हो जाओ बच्चे, उस तरफ पास में मेरा गांव है, वहां तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। इस वक्त बलू और बघीरा क्या कर रहे होंगे? माँ कैसी होगी? क्या सब मुझे भूल गए होंगे? जंगली कुत्ते कल से भी ज्यादा। समझ गया, तुम्हारा मतलब है कि कुत्ते आ गए हैं।
भाग जाओ यहाँ से। और आगे अब ध्यान से सुनो मोगली, तुमने कानून तोड़ा है। बिना किसी को बताए झुंड छोड़कर चले आए, फिर भी हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो चलो मेरे साथ मोगली, हमें तुम्हारी याद आती है। अब चलो भी मोगली, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। घर लौट आओ मोगली। हमें माफ कर दो मोगली, परेशान किया हमें। कितने खुश नसीब हो जो तुम जानवरों के साथ रहते हो। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम भी आजाद जीना चाहते हो? जाओ खुश रहो और तेज उड़ो।